होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष होली थोड़ा सा अनोखे ढंग की आई है, क्योंकि पूरा विश्व इस समय कोरोना से ग्रस्त है, और ऐसे में मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि गुलाल और रंगों से होली ना खेल के भारतीय संस्कृति के अनुसार फूलों से खेलेंगे, तो उससे आपका जीवन भी महकेगा और आपको आनंद भी आएगा। मेरी आपको बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। आप सभी को IMT परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं गरिमा खरे और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूँ जनरेशन इक्वेलिटी थीम पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्व शांति को बढ़ावा देना है। जब से महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, तब से यह दिन किसी खास थीम के साथ मनाया जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर थी, जबकि इस बार मैं हूँ जनरेशन इक्वेलिटी महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूँ थीम पर महिला दिवस मनाया गया। कोरोना के कहर से टूट रही अर्थव्यवस्था की कमर, भारत भी प्रभावित। कोरोना वायरस के कहर से भारत का 34.8 करोड़ डॉलर का व्यापार प्रभावित होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से आर्थिक तौर पर प्रभावित होने वाले शीर्ष 15 देशों में भारत भी शामिल है। कोरोना का असर चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ने से दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्यात में 50 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। कोरोना के चलते करीब 30 करोड़ बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 80 से ज्यादा देश प्रभावित हैं। कोरोना से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं स्कूल बंद होने से दुनिया भर में करीब 30 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। चीन के साथ ही 22 से अधिक देशों ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें चीन, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, ईरान, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र को कहना पड़ा है कि जिस बड़े पैमाने पर शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है, वह अभूतपूर्व है। कई शताब्दियों बाद इस बार होली पर बन रहा महासंयोग। इस बार होली और होलिका दहन पर महासंयोग बन रहा है। दोनों दिन ग्रह गोचरों के साथ संयोग बनने से कई अनिष्ट दूर हो सकते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि कई शताब्दियों बाद इस बार होली पर गुरु और शनि अपनी अपनी राशि में एक साथ रहेंगे। गुरु अपनी राशि धनु और शनि अपनी राशि मकर में रहेंगे। होली पर पराजित वैश्य और बुधादित्य योग बन रहा है। शुभ मुहूर्त में कल करें होलिका दहन। होली का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 9 मार्च को होली का दहन किया जाएगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त संध्या काल में 6:22 से 8:49 तक रहेगा। भद्रा पुंछा में सुबह 9:50 से 10:51 तक रहेगा, जबकि भद्रा मुखा में सुबह 10:51 से 12:32 तक रहेगा। सोशल मीडिया में दिया जा रहा उपलों से होली जलाने का संदेश। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस बार सोशल मीडिया पर उपलों से होली जलाने का संदेश वायरल हो रहा है। महिलाएं भी उपलों से होली जलाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। उपलों की होली जलाएं मुहिम से बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं। बच्चों का कहना है कि पर्यावरण संतुलन में पेड़ पौधों का बहुत योगदान होता है, इसलिए हम पेड़ों को काटने से बचाएं और लकड़ी की बजाय उपलों की होली जलाएं। चढ़ावे के फूलों से बने गुलाल से महकेगी वृंदावन की होली। इस बार वृंदावन की होली मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से बने गुलाल की महक बिखेरेगी। चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन सवासिनी की महिलाएं फूलों से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य अनुकूल रंग और गुलाल बना रही हैं। फूलों से कई प्रकार की सुगंधित एवं हानि रहित अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि भी बनाई जा रही हैं। फूल बांके बिहारी मंदिर से लिए जा रहे हैं। इससे अर्जित धन सीधे महिलाओं के बैंक के खाते में जाता है। आपकी बार होली पर हर्बल रंगों की धूम, खूब खरीद रहे लोग। इस बार अधिकतर लोग केमिकल युक्त नहीं बल्कि हर्बल रंगों से होली खेलने की तैयारी में हैं। बढ़ती डिमांड को देखते हुए बाजार में हर्बल रंगों की कई वैरायटी उपलब्ध हैं। हर्बल रंग घर पर बनाए जा सकते हैं। केमिकल युक्त रंगों में तांबा, काले रंग में नाइट्राइट ऑक्साइड, बैंगनी रंग में क्रोमाइड मिला होता है। सिल्वर रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, लाल रंग मरकरी सल्फेट से बनता है। इन रंगों से स्किन की बीमारी हो सकती है। काफी जटिल है प्राकृतिक रंग तैयार करने की प्रक्रिया। वृंदावन शोध संस्थान के शोध एवं प्रकाशन अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा का कहना है कि 16वीं सदी में अबुल फजल ने फारसी में रंग बनाने की प्रविधि का उल्लेख किया था। एक शेर अगरू की लकड़ी, चावल की भूसी, साफ मिट्टी और कपास के मिश्रण से वाष्पीकरण द्वारा 2 से 15 तोला चोबा बनता था। अर्गजा बनाने के लिए मैद, चोबा, बनफसा, गहला, गुलाब, चंदन और कपूर इस्तेमाल होता था।
होली पर झटपट ठंडाई बनाने के लिए घर पर तैयार करें मसाला। ठंडाई बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसे दूध, नट्स और मसाले के मिश्रण से बनाया जाता है। ठंडाई के कई वर्जन हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों को देसी स्वाद वाली ठंडाई पसंद आती है। ठंडाई के लिए मसाला घर पर भी तैयार कर सकते हैं, जबकि परंपरागत रूप से ठंडाई बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। पहले मसाला और नट्स का मिश्रण तैयार करना कुछ दिन पहले ही शुरू करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।